रिकॉर्डिंग चालू झालेली आहे. यू कॅन मार्क युअर प्रेझेंटिंग. ओके, पुन्हा एकदा मला सांगा, माझा आवाज क्लिअर येतो का सगळ्यांना? इज माय व्हॉइस क्लिअर टू एव्हरी वन? येस ऑडिबल टीचर. क्लिअरली? ओके. आणि आता फर्स्ट आणि फोर्थ भरपूर मुलं आहेत, त्यामुळे प्लीज तुमचा चॅट बॉक्स युज करा. ओके, व्हॉट एव्हर आय एम आस्किंग, जे काही आन्सर्स असतील त्यासाठी चॅट बॉक्स युज करा. आणि जर मी तुम्हाला माईक ऑन करून बोलायला सांगितलं तर प्लीज वेळेतच माईक ऑन करा. सो लेट्स स्टार्ट. एज आय टोल्ड यू, आपण पहिल्यांदा मी तुम्हाला फोनिक्स मध्ये एबीसीडी बोलायला शिकवणार आहे. काही मुलांना माहीत असेल, काहीसाठी न्यू असेल. ओके, सो सो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू ओके. सगळ्यांनी माझ्यासोबत एबीसीडी लिहा आणि खाली थोडी स्पेस सोडा, एक एक लाईन सोडा प्रत्येक लेटरच्या खाली. लाईक दिस, ए बी सी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाय झेड. सगळ्यांची एबीसीडी लिहून झाली की मला सांगायचं आहे. चला राईट डाऊन फास्ट, एक एक लाईन सोडा जिथे तुमचा पहिला कम्प्लीट होतोय. लाईक दिस, जसं ए बी सी डी ई एफ जी, हे लेटर जर तुमचे जी पर्यंत एका ओळीत कम्प्लीट झाले तर त्याच्या खालची ओळ सोडा आणि नंतर एच आय जे के लिहा. जेवढे लेटर बसतील ते ट्राय करा आणि त्याच्या खाली एक लाईन नक्की सोडा. ओके, आठवणी. मॅम तनिष्का डन. प्लीज यूज युअर चॅट बॉक्स. जस्ट नाव आय हॅव टोल्ड यू, चॅट बॉक्स यूज करा. माईक ऑन करायचा नाही मी सांगितल्याशिवाय. आता तुमचा चॅट बॉक्स यूज करा प्लीज, कारण आज 1 2 3 4 4 स्टँडर्डची मुलं एकत्र आहेत. ओके, मग आता लक्ष द्या. प्रत्येक लेटरला मराठी मध्ये वाचताना आपण मराठी वाचन करताना कसं करतो, तुम्हाला अ ते ज्ञ मुळाक्षरे येत असतात. येस, मुळाक्षरे आपल्याला पहिल्यांदा ती पाठ करावी लागतात, नंतर त्यांची बाराखडी शिकावी लागते आणि ती मुळाक्षरे त्यांची बाराखडी एकत्र करून आपण शब्द वाचायला शिकतो. हो की नाही? येस ऑर नो लिहा चॅटबॉक्समध्ये. सांगा मराठी कसं वाचता तुम्ही. पहिल्यांदा तुम्हाला मुळाक्षर शिकवली गेली ज्युनियर केजी सिनियर केजी ला असताना, आणि नंतर हळूहळू तुम्ही छोटे शब्द शिकलात, मग बाराखडी शिकवली, त्याला काना मात्रा वेलांटी आणि त्यानंतर आपण पुढे पुढे जॉईन करत सॉरी पुढे पुढे वाचत गेलो. बरोबर,
मग आज आपण इंग्लिशचं देखील तसंच शिकणार आहोत. सगळ्यांनी लक्ष द्या. ओ ए ए फॉर काय असतं सांगा मला. ए फॉर ॲपल शिकलात तुम्ही, ए फॉर एरोप्लेन शिकलात तुम्ही, ए फॉर अँगल शिकलात तुम्ही. येस ओके. मग ए फॉर ॲपल आणि ए फॉर एरोप्लेन. ॲपल ॲ, एरोप्लेन ए, दोन्ही वेळा ए चा उच्चार वेगवेगळा आला की नाही. कधी कधी ए नुसता असला की आपण त्याला ए किंवा अ वाचतो. अ बॅट, अ मॅन अशा प्रकारे वाचतो, हो की नाही. मग आज आपण हे उच्चारच शिकणार आहोत. त्याला इंग्लिश मध्ये फोनिक्स म्हटलं जातं. मग ए सेज, ए ए सेज ए, ए सेज ए, ए सेज ए, ए सेज ए फॉर ऍपल, ए फॉर अँकल, ए फॉर अँगल, ए ए सेज ए, ए फॉर एरोप्लेन, ए फॉर एअरक्राफ्ट, ए फॉर एअरशिप, ए फॉर एअर. ओके समजलं सगळ्यांना ए चा उच्चार कसा करायचा आहे. यस एकदा नीट टीचर, बघा, मी सगळ्यांकडनं बोलून घेणार आहे आणि चॅट बॉक्स चा वापर करा. पीयूष, यश, काय सांगितलंय मी, चॅट बॉक्स मध्ये रिप्लाय द्या. ओके बी बी फॉर बॅट असतं ना, बी फॉर बॉल असतं, बी फॉर बॅट असतं. मग बी बी काय म्हणतो आपल्याला. बी सेज ब, ब मराठी मध्ये अ नंतर ब येतो. येस अ ब कड असे आपण शिकतो, त्याच प्रकारे बी सेज ब. सी, सी फॉर कॅट, सी फॉर कप, म्हणून सी सेज क. डी, डी फॉर डॉग, डी फॉर डॉल, डी सेज ड. आता ई बघा, ई फॉर इंग्लिश असतं आणि ई फॉर एलिफंट असतं. येस काही ठिकाणी ईचा उच्चार ई म्हणून होतो, काही ठिकाणी ए म्हणून होतो. तुम्हाला शब्दांच्या शब्दांनुसार तो वाचायचा आहे, म्हणून आपण लिहिणार ई फॉर ई सेज ई, ई सेज ए, एफ सेज फ, जी सेज ग, ग जी जी फॉर गोट, जी फॉर ग्रेप्स, ग, एफ सेज फ, एफ फॉर फ्लावर, एफ फॉर फ्रूट्स, एच एच सेज ह, हॅट, हॉर्स, आय आय सेज आय, आईस्क्रीम, आय सेज ई, इग्लू, इंक, जे जे सेज ज, जोकर, के सेज क, काइट, के फॉर किंग, एल एल सेज ल, ल एल सेज ल, लायन, लैम्प, एम एम सेज म, मंकी, मैंगो, एन एन सेज न, नोज, नेट, ओ सेज ओ सेज अ. काही शब्दांमध्ये ओ असाच वापरला जातो ओपन, आणि काही शब्दांमध्ये अ वापरला जातो ऑरेंज. पी पी सेज प, पॅरट, पिंक, क्यू क्यू सेज क्व, क्वीन, क्वेल, आर आर सेज र, रॅबिट, रॅट, एस 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 स, सन, टी टी सेज ट, ट्रेन, टेबल. यू यू सेज यू, युनिकॉर्न, यू सेज अ, अम्ब्रेला. बी वी सेज व, वेजिटेबल, वॅन,
डब्ल्यू डब्ल्यू सेज वॉच वेल एक्स 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 एक्समस ट्री एक्सरे वाई वाई सेज यो झेड झेड सेज झेब्रा ओके सगळ्यांनी हे लिहून घ्या सगळ्यांनी लिहून घ्या तुम्ही जे खाली लाईन सोडली ना एबीसीडी लिहित असताना मध्ये एक एक लाईन सोडली ना तिथे हे लिहून घ्या चला आणि आता सगळ्यांनी मला वाचून दाखवायचं एक एक करून फर्स्ट मी वाचते ए सेज ॲप ए सेज ए बी सेज ब सी सेज क डी सेज ड ई सेज ई सेज ए एफ सेज प जी सेज ग एच सेज ह आय सेज आय आय सेज ई जे सेज ज के सेज क एल सेज ल एम सेज म एन सेज न ओ सेज ओ सेज ओ पी सेज प क्यू सेज क्व आर सेज र एस सेज स टी सेज ट यू सेज यू यू सेज अ वी सेज व डब्ल्यू सेज व एक्स सेज क्स वाय सेज य झेड सेज ज ओके लिहून झालंय सगळ्यांचं चॅट बॉक्स मध्ये रिप्लाय द्या चॅट बॉक्स मध्ये रिप्लाय द्या मला ज्यांचं लिहून झालंय त्यांनी चॅट बॉक्स मध्ये नाव लिहायला सुरुवात करा तुम्हाला रीडिंग करायचंय का आपण हे घेतोय बघा जर आता तुमच्या समोर बी तुम्हाला आलं बी ए टी असा शब्द आला तर तुम्ही वाचणार हा बी सेज ब ए सेज ए आणि टी सेज ट म्हणजे द ॲट अ बॅट येस त्यामुळे तुम्हाला रीडिंग खूप इझी होणार आहे म्हणून आपण फोनिक्स पासून सुरुवात करतोय चला आता ज्याचं झालंय त्यांची मी सुरुवात करते नो नका लिहू ज्याचं झालंय त्यांनी नाव लिहा फक्त सांगितलंय मी स्क्रीन दाखवणार आहे तुम्हाला आराध्या टीचर पडिये A says A. A says B says B. C says K. D says D. E says E. F says F. G says G. H says H. I says I. I says E. J says J. K says K. L says L. L says L. L say la, M say ma, N say na, O say o, O say au, P say pa, Q say qua, R say ra, sa say sa, S say sa, T say ta, U say u say a, V say va, W say va, X say xa. Y से य, Z से ज वेरी गुड से नहीं बोलना है हा से असं से नका बोलू बघा इथे से नाही सेज एस ए वाय एस सेज ओके नेक्स्ट आराध्या के बाद है कनिष्का कनिष्का ए सेज ए ए सेज ए बी सेज ब सी सेज क डी सेज ड ई सेज ई एफ सेज फ जी सेज ग एच सेज ह आई सेज आई G say J,
जैसे ज कैसे क यल से ल यम से म यन से न ओ से ओ पी से प क्यू से क्व आर से र एस से स टी से ट यू से यू वी से व डब्ल्यू से व एक्स से स वाई से य जेड से ज। ओके कनिष्का, तनिष्का फ्रॉम स्टैंडर्ड फोर्थ। A says a, A says a, B says b, b, C says k, D says d, E says e, E says a, F says f, G says g, H says h, I says I says e, J says ज के सेज क एल सेज ल एम सेज म एन सेज न ओ सेज ओ सेज अ पी सेज प क्यू सेज क्व आर सेज र एस सेज स टी सेज ट यू सेज यू अ V says V, W says V, X says X, X. 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 Y says Y, Z says Z. Good. याच्या पुढे इंग्लिशच्या प्रत्येक लेक्चरला हे खूप नीट लिहायचं आहे, एकदम सुटसुटीत छान. आणि जेव्हा कधी तुम्ही वाचायला बसाल इंग्लिशच्या लेक्चरला किंवा तुम्ही घरी वाचन करत असाल, प्रत्येक वेळी हिस्ट्री जरी वाचत असाल इंग्लिश मधून, ईव्हीएस जरी वाचत असाल, प्रत्येक वेळी हे टेबल समोर ठेवा, तुम्हाला वाचणं खूप इझी जाईल. बघा, आपको बहुत हेल्प होगी इससे रीड करने के लिए. देन संस्कार, संस्कार बोल. एस एस ए B says B, C says K, D says D, E says O, V says E, E says E, इथे इथे बघ वरती, F says F, G says G, H says H, I says I, J says J, K says K, L says L, M says M, N says N, no. O says O, P says P, Q says Q. Qua. R says R. S says S. T says T. T says T. U says U. V says V. W. W says W. X says S. X, Y says Y, Z, J. Okay, next Vedang. Yes, teacher. A says A, A says A, B says B, C says K, D says D, C says K, D says B. B says B, C says K, D says D, E says E, E says A, F says
F. G says G. H says H. I says I. I says E. J says J. K says K. L says L. M says M. N says N. O says O. O says O. P says P. Q says Q. R says R. S says S. R says R. T says T. U says T. T says T. U says U. U says U. V says W. W says W. X says X. X says X. X says Y. Y says Y. Z says Z. Y says Y. विराट फक्त एकदाच नाव लिहायचं आहे चॅट बॉक्स मध्ये. विराट ए सेट बी सेट ब सी सेट डी एस डॉट ई सेट या प्लेट डी सेट ज या सेट आ सेट आई जे सेट यश यश टीचर हाँ बोल. ए से ए, ए से ए, बी से ब, सी से क, डी से ड, ई से ई, ई से ए, F से F, Y से F, G से G, Y से H, I से I, I, I से E, J से J, K से K, L से L, M से M, N से N, O से O. P से P, Q से Q, R से R, Y से S, T से T, P से T, U से K, 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 W se W, W se W. X say W. Y say Y. Z say Z. Good. Isha. 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 जिज्ञासा
टीचर। रीड बेटा। ए इसे अ इसे ए बी से ब सी से क डी से ड ई से ई ए एफ से फ जी से ग एच से ह आई से आई ई जे से ज के से क एल से ल एम से म एन से न ओ से अ पी से प क्यू से क्व आर से र एस से स टी से ट यू से य अ वी से व डब्ल्यू से व एक्स से एक्स वाई से य जेड से जेड ज अच्छा गुड पीयूष पीयूष यस टीचर हाँ वाट ए से ए बी से ब सी से क डी से ड ई से ई एफ से फ जी से ग एच से ह आई से आई जे से ज के से क एल से ल एम से म एन से न ओ से ओ पी से प क्यू से क्यू आर से र एस से स टी से ट यू से यू वी से व डब्ल्यू से व एक्स से एक्स वाई से य जेड से जेड ज भाविका यस टीचर ए से अ ए से A says A, A says A. A says B. B says B. G. C says K. D says D. E says E. E says A. A. F says F. G says G. H से ह आई से आय आई से ई जे से जे जे से ज ज ज के से क एल से ल एम से म N से न O से O O से A A P से P Q से Q Q R से R S से S T से T T से T H से O U से U से A A U से U से U V से V M से V W W से V Y से K Y Y X से S S, 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 Y says Y, Z says Z. Okay, Bhavika hai part karayacha hai, mag reading la kahis problem nahi yenar, okay? Devang. Teacher. A se A, B se B, C se K, D se D, E se E. F से F, G से G, H से H, I से I, I से I, E, J से J, K
के से क, एल से ल, एम से म, एन से न, अ से आ, पी से प, क्यू से क्व, आर से र, एस से स, टी से ट, यू से क्व, अ, वी से व, डब्ल्यू से व, एक्स एक्स, वाई से य, जेड से ज. गुड. स्वराज. स्वराज प्रीति. यस टीचर. हाँ रेड. ए से अ, बी से ब, सी से क, डी से ड, ई से E, F से F, G से G, H से H, I से R से I, J से J, K से K, L से L, M से M, N से N, O से O, P से P, क्यू से को, यू से व, आर से र, एस से स, टी से ट, यू से कु, यू से पी से व, डब्ल्यू आयशा. यस टीचर. ए सेज ए, ए सेज ए, बी सेज ब, सी सेज क, डी सेज ड, E says E, G says A, F says F, G says G, H says H, I says I, I says E, J, K says K, L says L, M says M, N says N, O says O, O says A, P says P, Q says Q. Four. I says R, S says S, T says T, U says U says U, U says U, U says A, 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 beta. A, V says W, W says W, X says S, Y says Y, Z says Z. Good. Swaraj from standard 3, sorry, standard 4th. Swaraj, standard 4th. What? Yes, start reading. Kushal. Yes, teacher. Read. A say A, B say B, C say K, D say D, E say E, F say F, G say G, H say H, I say I, J say J, K say K, L say L, M say M, N say N,
ओ से ओ, पी से प, क्यू से को, 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 आर से र, एस से स, टी से ट, यू से य, यू, यू, वी से व, डब्ल्यू से व, एक्स से क्स, एक्स से य, स, वाई से य, जेड से ज. अजून कोणाचं रीडिंग राहिलंय? ईशा, ईशा माइक ऑन कीजिए. सेस बोलो बेटा. सीस अ विस दिसस द इसस ए इसस ई इसस ए इसस ई एस Isis A, Ipsis for Jesus girl, Ipsis of Isis. E, Isis E, Isis E, Jesus J, Jesus girl, Isis La, Isis Ma, Isis Na, and Osis A, P says P, Q says Q, R says R, S says S, T says T, U says W, B says U, U says U, U says A, U says U, U says A, B says B, W says W, W, X says X, Y says yo, J says jo. Z says z. Okay. Swaraj, Swaraj from standard 4th. Mic on karacha hai. Haan. Network cha issue hai ka Swaraj? Tujha awaz yet nahi mic on kelya var. Sound padta hai ka? Yes. Ho. Okay. What? M says no, N says no, O says O, O, P says what, Q says Q, R says no, S says no, P says U says U, O, V says what, W says what, S says X, Y says no, J says no. चला अजून कोणाचं रीडिंग राहिलंय? रेज युअर हँड्स. हु इज लेफ्ट विथ रीडिंग? हँड रेज करा. कोणाचं रीडिंग राहिलंय का? भाविका, स्वराज, संस्कार, देवान, वल्लभ. वल्लभ माईक ऑन करायचं आहे. हा रीड. A says A, B says B, C says K, D says D, E says E, F says F, G says G, H says H, I says E, J says J, K says K, L says L, M says M, N says N, O says O says O, O says A. O says A, P says P, Q says K, R says R, S says R, T says T, U says U, V says
वो डब्ल्यू सेस वो एक्स सेस सो 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 वाई सेस यो जे सेस जो ओके अदर सॉल आर डन सगळ्यांचं रीडिंग झालंय चला हँड रेज करा कोणाचं रीडिंग राहिलंय स्वराज फ्रॉम स्टँडर्ड थ्री स्वराज स्टँडर्ड थ्री थर्ड स्टँडर्ड टीचर वाचलं का तू यस टीचर यस वाचलं यस टीचर ओके तृषान तृषान यस टीचर रीड यस टीचर हा वाच ए से अ बी से ब सी से क डी से ड E से E, F से F, G से G, H से H, G से G, H से H, I से I, I से I, J से J, K से क एल से ल एम से म एन से न ओ से ओ औ ओ से औ पी से प क्यू से क्व क्यू से व क्व क्व Q से व क्व व R से र S से स T से ट U से U U से U U से अ T से व U से W से W X से so X से so so Y से Y Z से Z good आता मला सांगा सगळ्यांचं रीडिंग करून झालंय का Yes, no teacher. Teacher. Chat box. Yes, teacher. काय सांगितलं मी कोणीही माईक ऑन करणार नाही यूज युअर चॅट बॉक्स ओनली जसं राहिलंय त्याने चॅट बॉक्स मध्ये नाव लिहा आयशा माईक बंद पियुष तू रीड केलंय ना प्रीती मग अशी प्रीतीने नाही केलं का नाही ओके ओके प्रीती वाच ए ए बी से ब सी से क डी से ड ई से ई एफ एफ से फ जी से ग एस H से H, I से I, J से J, K से K, L से L, M से M, N से N, O से O, P से P, Q से Q, R से R, Q से Squ, Q से Squ, R से R, S से S, T से T, U से U,
V से व, W से व, X से एक, X, Y से य, Z से ज. ओके, आता प्रत्येक वेळी रीडिंग करताना तुम्ही इंग्लिश रीड करत असू द्यात, तुमचं इंग्लिश मधलं ईव्हीएस असू द्यात, किंवा तुमचं इंग्लिश मधलं सायन्स, कोणताही सब्जेक्ट, मॅथ्सचे पण क्वेश्चन्स रीड करताना जर तुम्ही अशा पद्धतीने जाल, आपण आता याच्या पुढे हळूहळू वर्ड्स रीड करायला पण सुरुवात करणार आहोत. ओके, मग त्या जर फोनिक्स पद्धतीने तुम्ही वाचायला जाल तर तुम्हाला खूप इझी पडणार आहे. ओके, सो सगळ्यांना समजलं आज आपण काय काय शिकलो ते? फोनिक्स मध्ये एबीसीडी कशी लिहाय, चॅट बॉक्सचा वापर करा, काय सांगितलंय तुम्हाला? यस, माईक बंद, सहयोग. माईक चालू करायचा नाही, जेव्हा मी तुम्हाला सांगेन तेव्हाच माईक चालू करायचा आहे. ओके, ओके, वैशाली मॅम, आय एम डन, यू कॅन कंटिन्यू. ओके मॅडम, थँक्यू सो मच. सर्वांना माझा आवाज येतोय का? जरा चॅट बॉक्स मध्ये लिहा येस ऑर नो. ग्रेट, थँक्यू सो मच, थँक्यू. सी, आज तुम्ही बघितलं असेल की फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आणि फोर्थ या चारही स्टँडर्डचा आपण एकत्र इंग्लिशचा क्लास घेतला. ओके, आय होप पेरेंट्स पण आहेत सोबत मुलांच्या, कारण हे मी आता जे बोलणार आहे ते पेरेंट्सची मला जास्त बोलायचं आहे. ओके, थँक्यू सो मच. येस, तो कुछ ओके. स्नेहा, ईशा की मम्मी आपको मराठी समझेगा नहीं समझेगा, मैं थोड़ा हिंदी थोड़ा मराठी में बात करूंगी, ठीक है? तो आज जो हमने लिया है, हमने ये डिसाइड किया है कि इसके बाद फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ का जो इंग्लिश का क्लास है वो ऐसे ही कंबाइन चलेगा. आपके बाकी सब्जेक्ट्स अलग अलग हो रहे हैं. मैम ने ये भी बताया होगा, वर्षा मैम ने, कि फर्स्ट और सेकंड स्टैंडर्ड का जो 3 PM का क्लास था, जो बच्चों को, बहुत सारे बच्चों को नहीं हो रहा था करने के लिए, तो वो भी हम लोगों ने 6 PM का शिफ्ट किया है इवनिंग का. ओके, और ये जो इंग्लिश का क्लास हम लोग कंबाइन क्यों ले रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को अभी भी ठीक से इंग्लिश पढ़ना नहीं आ रहा है. ठीक है, मुलांना नीट इंग्लिश वाचता येत नाहीये, आणि त्यामुळे मुलांचं वाचन, त्यांना चांगल्या पद्धतीने स्पेलिंग्स बनवता येणं, त्या सांगितल्यावर लिहिता येणं हे जास्त इम्पॉर्टंट आहे. त्यांचं जे ग्रामर आहे बेसिक, ते ग्रामर होणं जास्त इम्पॉर्टंट आहे. और जब आपके बच्चे ये सब पढना सीख जाएंगे तो ऑटोमेटिकली खुद के बुक्स जो है उनके वो पढ़ सकते हैं. इसमें पेरेंट्स का क्या रोल है? जो भी टीचर अभी पढ़ाएंगे कंबाइंड क्लास में, आपको बैठ के आपको भी, जैसे बहुत सारे पेरेंट्स पिछले 2 साल से हम लोग देख रहे हैं, आप लोग अच्छे से टीचर जो बताती है वो फॉलो करते और बच्चों से करवा के लेते हो, तो यही सब आपको करना है. इट विल बी लाइक योर इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस. ठीक है, इन बच्चों के लिए ये क्लास इंग्लिश स्पीकिंग का जो क्लास होता है उस तरीके से चलेगा, जिसमें सभी का इंग्लिश पढ़ना, स्पेलिंग बनाना, स्पेलिंग लिखना और कन्वर्सेशन करना, एक दूसरे से इंग्लिश में बात करना, ये सब यहाँ पे इस क्लास में पढ़ाया जाएगा. और आपके जो बुक्स है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ का इंग्लिश का जो बुक है, वो कभी कभी बीच में मैडम आपको रीडिंग के तौर पे लेंगी. ओके, उसका जो सिलेबस है वैसे भी स्कूल में होता है, ऑफलाइन क्लास में भी होता है वो, ठीक है, तो वो सिलेबस क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में बहुत कम होगा, लेकिन बच्चों को जो बेसिक सीखना है वो यहाँ पे आपके थर्सडे वाले क्लास में इंग्लिश स्पीकिंग की तरह से होता रहेगा. ठीक है, तो
तो क्या आप सबको ये मंजूर है? डू यू एग्री? सर्वांना हे चालणार आहे का? कारण मुलांना जे हवंय तेच देण्याचा आम्ही प्रयत्न करणार आहोत. येस, व्हेरी गुड, थँक यू सो मच. तो आगे से इंग्लिश का क्लास इसी तरीके से चलेगा. पेरेंट्स ने भी ट्राई करना है घर पे, जैसे मैडम अभी यहाँ पे पढ़ाएंगी, वैसे ही बच्चों का थोड़ा रीडिंग लेना, थोड़ा राइटिंग लेना, ठीक है, ताकि आपके बच्चे हर तरह से इंग्लिश लिखना पढ़ना सीख जाए और अपने खुद के बुक खुद पढ़ सके. तो बस यही बोलना था आप सबसे. आई थिंक मैडम का भी पढ़ा के हो गया है आज. और एक रिक्वेस्ट है, आपके सभी क्लासेस जो भी मैडम के होते हैं, बाकी टीचर्स के होते हैं, वो सब यूट्यूब पे है. आप सबके पास अपना यूट्यूब का सर के नाम का चैनल का लिंक भी होगा. अगर नहीं होगा तो मैं फिर से सभी ग्रुप में डाल दूंगी. सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ये जो पढ़ाया जाता है आपको अगर बार बार देखना है तो वो वीडियोस यूट्यूब पे फ्रीली अवेलेबल है. ठीक है, तो अपना ही क्लास का वीडियो, जिस दिन जो क्लास हुआ था, वो आप वहां पे ढूंढ सकते हो प्लेलिस्ट में, और वहां से देख के फिर से उसको प्रैक्टिस कर सकते हो. क्लियर? तो 6:53 हो गया है. शुड वी स्टॉप हियर? यहाँ पे रुक जाए. आपका जो भी होमवर्क होगा इस क्लास का, वो मैडम आपको व्हाट्सएप से दे देंगी. तो बच्चों ने कंप्लीट करना है और नेक्स्ट क्लास में मैडम पूछेंगी तभी उनको बताना है. ठीक है, यस, वेरी गुड. तो सभी बच्चों को अभी क्या करना है, आज मैडम ने जो भी पढ़ाया आपको फोनिक्स, उसको याद करके, वो हम लोगों ने पहले भी बहुत बार लिया है, आप लोग ध्यान में नहीं रखते हो इसलिए हमें ये फिर से शुरू करना पड़ रहा है. तो वो जो फोनिक्स है, आपके इंग्लिश के बुक निकालेंगे आप अभी क्लास खत्म होने के बाद, और थोड़ा थोड़ा पढ़ने की कोशिश करेंगे. क्लियर? जिसको अच्छे से पढ़ना आता है वो एटलीस्ट डेली एक लेसन पढ़ेगा. ओके, यस, थैंक यू. तो नाउ वी, यू ऑल कैन लीव द क्लास. बाय एवरीवन, गुड नाइट. Bye, ma'am. Thank you, ma'am. Bye, bye. Bye, teacher. Bye, bye. अभ्यास करायचा, ओके? चलो, bye.